everyone, this is Ankush from SSS and I welcome you all in the economics lecture series of JKPSI. We have already covered one topic of economics, that is poverty. Today we'll be covering sustainable development goals or SDGs. Okay, so dekhiye sustainable development goals jo hain, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये जो मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पे, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ही पिक है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सबसे पहले ये कुछ गोल्स हैं कुछ एजेंडाज हैं आप कह सकते हैं, जो हमने कंप्लीट करने हैं। किन्होंने कंप्लीट करने हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, ये UN, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने बनाए हैं कुछ गोल्स, कुछ एजेंडाज, जो UN की, जो आप कह सकते हैं जो UN की मेंबर्स हैं, जो UN की मेंबर कंट्रीज हैं, उनके लिए उन्होंने ये सस्टेनेबल, ये कुछ गोल्स हैं, कुछ एजेंडाज हैं जो कि कंप्लीट करने हैं, कुछ टारगेट्स हैं। और ये गोल्स क्या हैं, देखिए गोल्स हैं जो सोशल इंडिकेटर्स हम कह सकते हैं, सोशल एलिमेंट्स से रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे आप ये पिक्चर पे देख सकते हैं, जैसे ये पहला लिखा हुआ है नो पॉवर्टी, दूसरा लिखा है जीरो हंगर, ठीक है, तीसरा लिखा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, राइट। तो दीज आर सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड गोल्स विच द मेंबर कंट्रीज ऑफ UN नीड्स टू फुलफिल, ठीक है। ये कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं UN की, उन्होंने करना ही करना है, कुछ मैंडेटरी नहीं है, बट दीज आर सम इस तरीके के गोल्स हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, जो इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए अच्छे हैं। तो ऑल टुगेदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सभी मेंबर कंट्रीज़ की, या सभी कंट्रीज़ की अराउंड द वर्ल्ड, ऑफकोर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन गोल्स को अचीव किया जाए, ठीक है, फॉर फ्यूचर जनरेशंस। नाउ व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है समथिंग विच सस्टेन्स फॉर द लॉन्ग, जो काफ़ी टाइम के लिए रहे, सस्टेन करे, ठीक है। तो सस्टेन का मतलब होता है समथिंग विच वी आर डूइंग टू मेंटेन, ठीक है, या फिर टू एक्सटेंड टू आर फ्यूचर ऑल्सो, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन हैं उन तक भी रिसोर्सेज जो है वो पहुँचे, है ना। ऐसा ही नहीं है कि हम ही सब कुछ एग्जॉस्ट करके तो यहाँ से चलते बनेंगे, नो। सो आर फ्यूचर जनरेशन आर ऑल्सो, उनके लिए, उनकी कहते हैं ना आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये काम करके गए, राइट। तो जो है ये दिस इज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो गोल्स हैं हमने अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो रिसोर्सेज जो हमने करना है उसके लिए कि हम सस्टेन करें, राइट, ओके। नाउ व्हाट इज इन दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये फर्स्ट सेंटेंस में मैंने यही लिखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है दोज डेवलपमेंट्स विच विल डू टू फॉर आर फ्यूचर जनरेशन, या फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन की सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए हम क्या रिसोर्सेज सिक्योर करके जा रहे हैं बेसिकली। तो दिस इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को SDGs भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके। अब ये होते क्या हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बेसिकली दीज आर दी ग्लोबल गोल्स, है ना, ये ग्लोबल गोल्स हैं, पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जो कंट्रीज हैं फॉलो करती हैं, ग्लोबल गोल्स हैं विच वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स, ओके। कब अडॉप्ट किए थे, सितंबर 2015 में, ठीक है, तो 2015 में दीज गोल्स वर अडॉप्टेड एज यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, क्या करने के लिए, to end poverty, to protect the planet and to ensure that all people enjoy peace and prosperity by 2030, okay? तो ये start कब हुए थे ये goals 2015 में, end कब होंगे 2030 में, so these are the time bound, ये जो 15 साल का time period है इसमें आपके sustainable development goals जो है चलेंगे 2015 से लेके 2030 तक। तो 2030 में जो इनका टाइम पीरियड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, वो ओवर हो जाएगा, ठीक है, 2030 में। ये क्राइटेरिया है, ये बेंचमार्क है कि भाई आपने 2030 तक जो है इन गोल्स को कंप्लीट करना है, ओके। नाउ कितने गोल्स हैं ये, दीज आर 17 गोल्स, हाउ मेनी गोल्स आर देयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। दीज आर इंटीग्रेटेड, दैट इज वाई, ठीक है, दैट इज दे रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट द आउटकम्स इन द अदर, ठीक है, एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, ओके। तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि देखिए एक एरिया में आप कोई एक्शन करेंगे तो वो दूसरे एरिया में भी इफेक्ट लाएगा, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट टू, जैसे मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने गोल्स किए ना, कि हमने पॉवर्टी हटानी है, नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, ठीक है। तो अगर पॉवर्टी खत्म होगी, गरीबी खत्म होगी, तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, हंगर भी खत्म होगी, राइट।
तो सी एवरी ठीक है, जो भी कोई एक डायमेंशन है, एक एक्शन है, वो दूसरे एक्शन से इंटरलिंक्ड होता है. ऐसे ही होता है, हंगर खत्म होगी तो उससे अच्छी हेल्थ क्रिएट होगी, ठीक है, हेल्थ अच्छी क्रिएट होगी तो उससे यू नो ज़्यादा आप कह सकते हो कि वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होगा, क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तो हम काम अच्छा कर सकते हैं, काम अच्छा कर सकेंगे तो इकोनॉमी अच्छी होगी कंट्री की, इंडिविजुअल इकोनॉमी अच्छी होगी तो ऑल टुगेदर कंट्री की भी इकोनॉमी अच्छी होगी. तो दिस एवरी एक्शन इज रिलेटेड टू अदर एक्शन, ठीक है, इसमें ये कहा गया है. एंड वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस और वी हैव टू डू, वी हैव टू मेंटेन सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. तो ये जो जितने भी ये जो 17 SDGs हैं, 17 जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जब देखेंगे तो आप एनालाइज करेंगे कि दे ऑल आर रिलेटेड ईदर टू सोशल और टू इकोनॉमिक और टू इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. जैसे हम देर आर सर्टन सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जैसे लाइफ बिलो वाटर और लाइफ अबव वाटर, ठीक है, या फिर पूरे प्लैनेट को हमने जो है वो कंजर्व करना है, हमने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना है, तो ये किसके रिलेटेड हो गए, इन्वायरमेंट रिलेटेड. ये कुछ SDGs हैं टोटल 17 में, ठीक है. कुछ सोशल हैं, जैसे हमने पॉवर्टी हटानी है, हंगर हटानी है, जेंडर इक्वालिटी लानी है, वो सोशल के अंदर आ जाएंगे. कुछ इकोनॉमिक हैं, जैसे डिसेंट वर्क कल्चर क्रिएट करना है या इंडस्ट्री सेटअप करनी है, ठीक है, या इनोवेशन लानी है, वो इकोनॉमी के रिलेटेड हो गए. तो दीज सोशल डेवलपमेंट सॉरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ईदर रिलेटेड टू योर सोशल और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी. क्लियर? ओके. अब हुआ क्या था कि एक प्लेज ली गई थी, देर वॉज अ प्लेज टेकन, प्लेज ली गई थी कि भाई लीव नो वन बिहाइंड, हमने किसी को भी पीछे नहीं लेना छोड़ना है, सबको अपने साथ लेके चलना है, ठीक है, सबको अपने साथ लेके चलना है, नो वी हैव विल लीव नो बडी बिहाइंड, ठीक है. तो ये जो है ये प्लेज ली थी जब हम जब क्रिएट किए गए थे SDGs. ओके, दैट इज वाई द SDGs आर डिजाइन टू ब्रिंग द वर्ल्ड यू कैन से टू सेवन लाइफ चेंजिंग जीरोज. तो बड़े सारे लाइफ चेंजिंग जीरोज इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, लाइफ चेंजिंग जीरोज इंट्रोड्यूस किए गए, मतलब जैसे हमने जीरो पॉवर्टी लानी है, जीरो हंगर लानी है, ठीक है, एड्स मतलब कुछ डिजीजेस को जो है वो एलिमिनेट करना है, डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेमेन और गर्ल्स को डिस्क्रिमिनेट करना है, एड्स बेसिकली डिजीजेस की बात की गई है कि जो कुछ डिजीजेस हैं उनको हमने टोटल जो है वो इराडिकेट कर देना है, खत्म कर देना है, ठीक है. अब ये जो यूनाइटेड नेशंस के जो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है SDGs हैं, ये कौन इंप्लीमेंट करवाता है, तो ये इंप्लीमेंट करवाता है UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इंप्लीमेंट करवाती है SDGs को, ठीक है. कौन इंप्लीमेंट करवाता है SDG को, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, अब थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की SDGs की थोड़ी सी बैकग्राउंड जानेंगे, ठीक है, कि कैसे ये फॉर्मुलेट हुए थे. अभी तक हमने ये पढ़ा कि 2015 में ये SDGs स्टार्ट हुए, ख़त्म कब होंगे 2030 तक इनका टाइम पीरियड है कि भाई 2030 तक ये आप कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम है जो चलेगा 2030 तक. UN ने कहा है, यूनाइटेड नेशंस ने कहा है अपने मेंबर्स को कि आपने 2030 तक जो है जो भी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जितने आपसे अचीव होते हैं आपने उतने अचीव करने हैं, इनको अचीव करना है, ठीक है. सपोज अगर टारगेट है जो मेरा पहला जो हमारा SDG है दैट इज नो पॉवर्टी, पहला SDG क्या है, नो पॉवर्टी, तो 2030 तक आप कितनी पॉवर्टी इरेडिकेट कर सकते हो अपनी कंट्री से, तो ये हमने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, ये हमने देखना है इसमें. अब हुआ क्या था, देखिए कि एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, रियो डी जेनेरियो का इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी इन ब्राज़ील, है ना. तो रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में 1992 में अर्थ समिट हुआ था, ठीक है, उसी के 20 ईयर्स के बाद हुआ रियो प्लस 20 समिट इन रियो डी जेनेरियो 2012. देखिए एक्चुअली यू नीड नॉट टू रिमेंबर अबाउट अर्थ समिट इन 1992, दिस यू नीड नॉट टू रिमेंबर, बेसिकली वाई आई हैव रिटन ओवर इट, क्योंकि क्या हुआ था आपने यहाँ से याद रखना है, देखिए सिंपल आपने याद रखना है कि 20 प्लस समिट हुआ था एक रियो डी जेनेरियो में, कब हुआ था, 2012 में हुआ था. 2012 में सबसे पहले फाउंडेशन रखी गई SDGs की, ओके, SDGs की फाउंडेशन रखी गई कब, 2012 में, कहाँ रखी गई थी, रियो डी जेनेरियो सिटी में रखी गई थी, ओके. अब ये इस समिट का नाम क्या था, रियो प्लस 20. अब इस समिट का नाम रियो प्लस 20 क्यों था, क्योंकि इससे पहले एक अर्थ समिट हुई थी, 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में, उसी के
एग्जैक्टली 20 साल के बाद यानी 2012 में उसी जगह पे यानी रियो डी जेनेरियो में ही रियो प्लस 20 समिट हुई, जहाँ पे SDGs की फाउंडेशन रखी गई, बेस रखा गया। अंडरस्टूड? तो अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि फाउंडेशन जो है या बेस जो है SDG का कब रखा गया था, तो वो 2012 में रखा गया था। और कहाँ रखा गया था? रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील, वहाँ रखा गया था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि 2012 में बेस या फाउंडेशन रखा गया, फिर 2015 में SDGs जो है वो फाइनली स्टार्ट हो गए, और 2030 में इनका टाइम पीरियड जो है वो ओवर हो जाएगा। क्लियर? ओके। नाउ सी, अब हुआ क्या कि 25 पर्टिकुलरली अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ स्पेसिफिकली, सो इट इज़ 25 सितंबर 2015 जब UN जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। उस रेजोल्यूशन का नंबर था 70/1। ठीक है, वो एजेंडा रखा, अ न्यू डेवलपमेंट एजेंडा, ट्रांसफॉर्मिंग आर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये इतना लंबा नाम रखा गया पहले कि ये अ न्यू डेवलपमेंट एजेंडा दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग आर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो है UN ने ये क्या रखा, एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंडर ये एजेंडा रखा उन्होंने। ठीक है, बाद में इस एजेंडा को शॉर्ट कर दिया गया, विच इज 2030 एजेंडा। तो वॉट इज बेसिकली द एजेंडा नाउ? 2030 एजेंडा। ठीक है, ओके, जो रेजोल्यूशन दिया गया था। अब देखिए क्या है बेसिकली कि 2015 में हमें अभी तक पता चला कि 2015 में हमने UN ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है मतलब उनको इनिशिएट किया। ठीक है, अब इन SDGs से पहले बिफोर 2015 एक प्रोग्राम और चल रहा था, 2015 से पहले एक प्रोग्राम और चल रहा था जिसका नाम था मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनको MDG कहते हैं। ठीक है, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स जिनको क्या कहते हैं, MDG। ओके, सो दिस MDGs जो हैं ये कब स्टार्ट हुए थे? ये स्टार्ट हुए थे 2000 में। ठीक है, MDGs कब स्टार्ट हुए थे? 2000 में स्टार्ट हुए थे, और ओवर कब हुए? 2015 में, और उसके बाद फिर SDG को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि 2000 में MDG स्टार्ट हुए थे और ओवर हुए 2015 में, फिर 2015 से क्या स्टार्ट हो गया? SDG। अभी जो MDG थे इनमें 8 गोल्स थे। ठीक है, जैसे हमने किया कि SDGs में कितने गोल थे, तो SDG में वी हैव 17 गोल्स। ठीक है, बट हेयर इन MDG वी हैड 8 गोल्स। ठीक है, अब क्या जरूरत पड़ी MDG को खत्म करके SDGs लाने की? सी, बिकॉज MDGs जो हैं वो देवर नैरो। ठीक है, वो नैरो थे थोड़ी अपनी, मतलब आप कह सकते हो उनके गोल्स जो थे थोड़े शैलो थे। नाउ इन SDG जो है इट इज़ मोर वाइडर कॉन्सेप्ट, इट इज़ मोर एक्सप्लेन्ड, मोर इलेबरेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ मोर ब्रॉडर इन इट्स स्कोप, वाइल एज MDGs वर नैरो इन देयर स्कोप। ठीक है, ऑब्वियसली देखिए टाइमली जो है नए आप कह सकते हो कि नए गोल्स या नए एजेंडाज बनाने की जरूरत पड़ती है एज फार एज द नीड ऑफ द सोसाइटी। जैसे हमें लगे कि नीड है हमारे एनवायरमेंट के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, उस तरीके से इंडिकेटर्स या उस तरीके से गोल्स हमें सेट करने की जरूरत पड़ती है टाइम टू टाइम, है ना। तो ये है, सपोज अगर पॉवर्टी कभी इरेडिकेट हो जाए कहीं से, ठीक है, विच इज़ वेरी टफ डेवलपिंग कंट्रीज में से, जब पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाए तो वी नीड नॉट टू सेट पॉवर्टी एज एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट गोल्स, है ना। जो भी हमें नेक्स्ट जब हमें टारगेट बनाना है तो उसमें हम फिर पॉवर्टी इंडिकेटर नहीं लेंगे क्योंकि उसमें खत्म हो गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोलियो जो था, ठीक है, पोलियो जब इरेडिकेट, पोलियो अब नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट इरेडिकेटेड, तो अब हमने उसको कहीं पर एजेंडा नहीं रखा है ऐसा डिजीज में, राइट। तो ऐसा होता है कि जब इरेडिकेट हो जाए कोई चीज़ तो फिर हम उसको बंद कर देते हैं उसको आगे फर्दर गोल में लेना। ठीक है, तो जो MDGs थे ये 18 गोल्स थे, आपने याद रखना, 2000 में इंप्लीमेंट हुए थे और 2015 में खत्म हो गए थे। ठीक है, ये 8 गोल्स थे। अब MDGs क्या थे? MDG का भी पहला टारगेट यही था, गोल यही था कि इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। ठीक है, दूसरा था जैसे टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, थर्ड था टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर वीमेन। ओके, तो फोर्थ था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। फिफ्थ था टू इम्प्रूव मेटर्नल हेल्थ। तो इस तरीके से जो है, सिक्स वॉज टू रिड्यूस HIV/AIDS बेसिकली, जो मैंने एड्स पहले लिखा था, तो इट वॉज एक्चुअली टू रिड्यूस HIV/AIDS, ये सिक्स जो है इसका गोल था। सेवेंथ वॉज टू इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। एट्थ वॉज ग्लोबल पार्टनर्स फॉर डेवलपमेंट। तो ये कुछ 8 गोल्स थे MDG के। ओके, तो अभी 17 जो है मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर इलेबरेटिव SDGs आर अडॉप्टेड। ओके,
Now, implementation of SDGs is described as localizing SDGs to highlight the role of local institutions and local actors. So basically, when जब ये social sustainable development goals जो हैं, जब ये SDGs जो हैं, जब implement किए जाते हैं, तो उसमें क्या है कि जो भी member institutions हैं, उनकी participation, ठीक है, उनको highlight किया जाता है, okay? Alright. अब ये मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया हमने कि जो ये न्यू डेवलपमेंट एजेंडा हैं, जो SDGs हैं, ये क्या करते हैं, तीन डायमेंशंस के ऊपर काम करते हैं. अब ये तीन डायमेंशंस कौन से हैं, इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट रिलेटेड. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यही हमने किया. ओके, 17 SDGs जो हैं फर्दर, ये दीज आर इशूड और दीज आर बेस्ड अपॉन सिक्स एलिमेंट्स, और ये फर्दर क्या है, सिक्स एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है. इन सिक्स एलिमेंट्स के ऊपर 5 P's हैं और 1 D है. क्या है, 5 P's हैं और 1 D है. अब ये 5 P और 1 D क्या है, ठीक है, 1 इज पीपल, प्लैनेट, पार्टनरशिप, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड जस्टिस, एंड 1 D इज डिग्निटी. ठीक है, ये आपने याद रखना है. तो देर आर 5 P's एंड 1 D. ठीक है, देर आर 6 elements टू SDG. ओके, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि भाई एलिमेंट्स कितने हैं, तो देर आर 6 elements. ठीक है, ओके, इनका नाम, इनका जो नॉमेनक्लेचर है ना, देखो वो चेंज हो गया. जैसे जो टोटल SDGs हैं उनको हम गोल्स बोलेंगे, ये क्या थे, ये एलिमेंट्स थे. ऊपर जो हमने किया कि मैंने आपको कहा कि इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक से रिलेटेड हैं ये गोल्स, ये डायमेंशंस हैं. डायमेंशंस 3 हैं, उसके बाद एलिमेंट्स ये 6 हैं और गोल्स कितने हैं, 17 हैं. ठीक है, ओके. अब ये देखो, एजेंडा जो हमने किया था, ये एजेंडा क्या था, मैंने आपको कहा कि एजेंडा 2030 जिसका नाम है, तो इट वाज बेसिकली एजेंडा टाइटल ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर दिया गया था, एजेंडा 2030. ओके ओके, अब देखिए 2015 से 2030 तक ये जो गोल्स चलेंगे, ये कितने गोल्स हैं, 17 SDGs हैं, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड 169 टारगेट्स हैं. टारगेट्स कितने हैं, 169. तो बेसिकली टारगेट्स क्या हैं, देखिए ये जो गोल्स हैं ना, इनके अंदर फिर फर्दर टारगेट्स हैं, छोटे 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 टारगेट्स हैं जो आपने अचीव करने हैं. ठीक है, गोल्स हैं और फिर गोल्स के अंदर क्या हैं, वेरियस टारगेट्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से, तो कितने टारगेट्स हैं, तो दे आर टोटल 169 टारगेट्स. ओके ऑलराइट, अभी जो 17 गोल्स हैं ये क्या हैं, जो मैंने इंट्रोडक्टरी स्लाइड में भी इंट्रोड्यूस किए थे, की थी उनके पिक्चर. ओके, तो ये हैं जी ये 17 गोल्स. तो क्या आपने ये 17 के 17 गोल्स याद रखने हैं, यस. सो आपने ये 17 के 17 गोल्स याद रखने हैं, और विद की कौन से नंबर पे कौन सा गोल है ये भी आपने याद रखना है. ठीक है, तो फर्स्ट इज टू नो पॉवर्टी, सेकेंड इज नो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ इज जेंडर इक्वालिटी, सिक्स्थ इज क्लीन वाटर, सेवेंथ इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू इकोनॉमी, है ना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज विद इन एंड अमंग कंट्रीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड. सो लाइफ बिलो वाटर एक्चुअली डील्स विद द ओशंस, सी, मरीन रिसोर्सेज, लाइफ ऑन लैंड डील्स विद इकोसिस्टम, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी. 16 डील्स विद पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, एंड द 17 इज पार्टनरशिप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स. ठीक है, तो दिस यू नीड टू रिमेंबर, ये 17 के 17 आपने विद नंबर यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, ये याद रखिएगा. अब ये कैसे याद रखने हैं, ये देखिए, या तो आप कोई अपने से कोई स्टोरी, कोई कहानी, कोई शॉर्ट फॉर्म कोई बना लीजिए, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि देखिए पहले आप फर्स्ट 5 याद रखिए, कि फर्स्ट 5 तो है टॉप प्रायोरिटी पे, फर्स्ट 5 तो याद रखने ही रखने हैं. ठीक है, जिस तरीके से मैं भी इस तरीके से याद रखती हूँ कि फर्स्ट 5 आपने याद रखने हैं, कि जैसे फर्स्ट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी अभी हमने फर्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ा, पॉवर्टी पढ़ा ना, ठीक है, इकोनॉमी में तो आपने पॉवर्टी पढ़ा, तो फर्स्ट SDG भी क्या है, पॉवर्टी है. ठीक है, तो पॉवर्टी है. नेक्स्ट इज हंगर, तो देखिए हंगर इज ऑफकोर्स जो आपको लगता है, जो हमें टॉप प्रायोरिटी पे जो है वो हमने टॉप प्रायोरिटी पे SDGs रखे हैं. ठीक है, UN ने, जैसे पहला है पॉवर्टी, सेकंड इज हंगर, हंगर इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. भूखे इंसान को आप, हम कुछ नहीं कह सकते और कुछ उसको पढ़ाई ही नहीं करवा सकते, हम एक जो जिस जो पेट से भूखा हुआ इंसान, उसको हम कुछ भी और करने के लिए नहीं कह सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दिमाग तो खाली भूख की तरफ ही जाएगा. ठीक है, जब हमने सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स जब हमने हिस्ट्री में करे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इवन स्वामी विवेकानंद ने ये बात करी है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात की थी कि एक जो भूखा इंसान है
उसको आप रिलीजन मत सिखाइए, या उसको आप धर्म की या विजडम की कोई बातें मत बताइए, पहले उसका पेट भरिए, ठीक है। तो हंगर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए जीरो हंगर जो है, इट इज़ वन ऑफ द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो पॉवर्टी को हटाओ, हंगर को हटाओ सेकेंड नंबर पे। थर्ड इज़ हेल्थ। अब पहली पॉवर्टी है, सेकेंड हंगर है, थर्ड इज़ हेल्थ। सेकेंड और थर्ड दोनों एच से रिलेटेड हैं, हंगर हेल्थ, ठीक है। फोर्थ इज़ क्वालिटी एजुकेशन। अब जब आप पॉवर्टी हटाओगे, हंगर हटाओगे, तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसके बाद फिर आप उसको पढ़ा सकते हो, उसको क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो। एंड फिफ्थ वन इज़ जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी तो हमेशा एक इशू रहा ही है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में या ऑल टुगेदर वर्ल्ड। तो जेंडर इक्वालिटी, तो ये फाइव जो है टॉप प्रायोरिटी पे है, याद रखना है। उसके बाद आप याद रखिए टेंथ पे आ जाइए, मतलब इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि उसके बाद टेंथ तो इम्पॉर्टेंट होता है, टेंथ इज़ है ना एक नंबर है खुद में कि हाँ 10, 1, 10, 20, 30, तो इस तरीके से हम याद रखते हैं। तो 20 जो है, 20 पे क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, इस तरीके से याद रखना है। 10 इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो फर्स्ट फाइव याद हो गया और टेंथ वाला याद हो गया, तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जॉब, JKSSB की जॉब, सो वी नीड अ डिसेंट वर्क, है ना। तो हमें जॉब चाहिए, तो हमारे रिलेटेड जो SDG है वो 8th नंबर पे है, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, जो हमारे रिलेटेड SDG है, क्योंकि हमें जॉब चाहिए। तो जॉब की बात तो 8th SDG में की हुई है, तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट हुआ ना। तो 8th इज योर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो 8th आप याद रखिए। उसके बाद देखिए जॉब मिलेगी, तो भाई जॉब नहीं है तो इंडस्ट्री ही सेटअप कर दो, तो इंडस्ट्री सेटअप करने की बात हुई है 9th SDG में। वी हैव डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, हमसे रिलेटेड है, याद रखना 8th है। और इंडस्ट्री, गवर्नमेंट जॉब नहीं देनी है तो इंडस्ट्री ही सेटअप कर दो, वील वर्क इन अ गुड इंडस्ट्री इन्वायरमेंट, है ना। तो दैट इज इन 9th SDG, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 8th इज अबाउट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th इज अबाउट इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो 10th तो हमने याद रख लिया, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो बचे क्या, 5, 6, 7, ये तीन आपने, सॉरी 6 और 7, 5th तक हमें याद है जेंडर इक्वलिटी, है ना, 6 और 7th याद रखने हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड लास्ट वाला भी आपने याद रखना है, कि लास्ट कौन सा था, 17 कौन सा था, थोड़ा डिफरेंट सा है, तो पार्टनरशिप फॉर दी गोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि जो लास्ट 13, 14, 15, 6, ठीक है, ये जो लास्ट 3 हैं, 13, 14, 15, ये इन्वायरमेंट रिलेटेड हैं। क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, थोड़ा डिफरेंस है ना, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव वाटर, इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ये जो है 14, 15, लाइफ अबव वाटर, लाइफ बिलो वाटर है 14, 15, ठीक है। आफ्टर दैट 16 बच गया, विच इज़ पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन 17, मतलब इस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी इट्स योर विश, आप, इट्स अप टू यू ओनली कि आपने किस तरीके से इनको याद रखना है, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंस इज कि आपने इनको विद नंबर, कहाँ पे कौन सा SDG है वो याद रखना है, कौन सा नंबर पे कौन सा SDG है, ठीक है, ओके। नाउ सी कमिंग अपॉन टू कि SDG, जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट की अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये 2018 से जो है इशू होना स्टार्ट हुए था। ये रिपोर्ट एक्चुअली इंडिया की जो SDG रिपोर्ट है, स्पेसिफिकली अगर मैं विद इन इंडिया की बात करूं, तो जो SDG रिपोर्ट है ये 2018 से बनना स्टार्ट हुई थी, 2018 में ये रिलीज़ होना स्टार्ट हुई थी। और सबसे पहले किसने ये रिलीज़ की थी, नीति आयोग ने, ठीक है। अभी हमने पॉवर्टी के इंडिकेटर, जब हमने पॉवर्टी पढ़ा था फर्स्ट टॉपिक, तो वो जो पॉवर्टी की जो फिगर्स हैं वो भी कौन रिलीज़ करता है, नीति आयोग रिलीज़ करता है, ठीक है। तो SDG की भी जो रिपोर्ट है वो कौन सबमिट करता है, कौन रिलीज़ करता है, आप कह सकते हैं नीति आयोग रिलीज़ करता है, ठीक है। तो अब ये जो इंडेक्स है, नीति आयोग जो बनाती है SDG का, ये बनाती है इन कंसल्टेशन विद द UN एजेंसीज इन इंडिया, इन कंसल्टेशन विद द MoSPI, विच इज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इन्वॉल्व करती है, और अदर मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखिए इंडिया ने एज सच रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, इंडिया ने कहा कि भाई हम भी SDG पे काम करेंगे। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फर्दर स्टेट्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई आपने अपनी अपनी स्टेट्स में इन गोल्स को जो है इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट नीति आयोग, जो नीति आयोग है इसने सबसे पहले जो फर्स्ट एडिशन है ये 2018 में रिलीज किया था, किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ओके। उसके बाद फिर जो है सेकेंड एडिशन 2019 में, फिर थर्ड एडिशन है 2021 में आया, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे चलता है 2018 to 19, फिर 19 to 20, 20 to 21, इस तरीके से जो एडिशंस हैं वो आते हैं। तो अभी थर्ड एडिशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का रिलीज हुआ है, ठीक है, ओके। तो जो अब मैं अगर बात करूँ थर्ड एडिशन की, तो देखिए 2019 का जो बेसिकली एडिशन था, ठीक है, जो सेकेंड एडिशन था,
जो इसका SDGs का जो सेकेंड एडिशन था उसमें जो टॉप स्टेट थी दैट वॉज केरला विद ए स्कोर ऑफ 70. अब देखिए स्कोर क्या है बेसिकली, ये जो SDGs हैं ये 0 to 100 इस तरीके से स्कोर मिलता है, ठीक है, मार्क्स हैं बेसिकली, आप कह सकते हैं कि 100 तक मार्क्स हैं, तो जिसके 100 मार्क्स आएंगे वो अचीवर होगा, ठीक है, 100 जिसके मार्क्स आ जाएंगे पूरे वो अचीवर होगा, वो फर्स्ट पोजिशन होगी इसके 100 में से 100 आ गए, ठीक है. तो 100 जो है 0 to 100 टारगेट है, या आप कह सकते हैं कि स्कोर है बेसिकली, ये स्कोर बोलते हैं इसको, स्कोर है, मार्क्स हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, जो मिलेंगे आपने जितने SDG इंप्लीमेंट किए होंगे. तो केरला जो है सबसे ज़्यादा जो है स्कोर किसका है, केरला का है, ठीक है. तो कितना स्कोर है केरला का, 70 स्कोर है. ये 2019 की बात है, जो सेकेंड SDG आया था, जो इंडेक्स आया था, ठीक है. उसके बाद था हिमाचल प्रदेश विद 69 स्कोर, आंध्र प्रदेश विद 67, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ठीक है, ये टॉप परफॉर्मर्स थे SDG के. और जो है सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग आप कह सकते हो स्टेट्स कौन सी रही हैं, जिनका सबसे कम जो है SDG जो है वो रहा, दैट वॉज बिहार विद द स्कोर ऑफ 50, फॉलोड बाय उत्तराखंड, अरुणाचल, मेघालय, ठीक है, ये लास्ट से रैंक होते, यानी सबसे कम रैंक किसका था, सबसे कम रैंक था बिहार का. ओके, ऑलराइट. उसके बाद देखिए ये जो हैं, ये स्टेट्स जो हैं ये मैंने मेंशन की हैं, इसके नीचे इनफैक्ट पहले ये डिस्कस कर लेते हैं 2001 जो लेटेस्ट अभी है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगेन केरला जो है उसने अपना जो टॉप रैंक है SDG का वो मेंटेन करके रखा है. तो 2020 जून में ये जो है रिपोर्ट आई थी, तो इसके अकॉर्डिंगली जो केरला है अगेन इट हैज़ मेंटेन्ड विद द स्कोर ऑफ 75. तो आप देखेंगे 2019 में कितना स्कोर था इसका, 70 था, अभी कितना स्कोर है, 75 है केरला का, ठीक है, जो लेटेस्ट है. उसके बाद जो है तमिलनाडु, पहले हिमाचल सेकंड पे था, अब कौन आ गया है, तमिलनाडु. इनफैक्ट दोनों जो है इक्वल ही हैं, तमिलनाडु और हिमाचल विद ए स्पॉट ऑफ 74. हाँ ये है कि तमिलनाडु ने हिमाचल से ज़्यादा आप कह सकते हो कि ज़्यादा मार्क्स अटेन किए हैं पिछले मार्क्स के कंपैरिजन, पिछले स्कोर के कंपैरिजन, क्योंकि इट वॉज थर्ड अर्लियर, अभी कितना आ गया है, सेकेंड. तो हिमाचल से इसने ज़्यादा स्कोर किया है अब, है ना, टोटैलिटी में. तो अब तमिलनाडु और हिमाचल का जो स्कोर है वो दोनों का 74 है, ओके, और केरला का कितना है, 75 है. तो आपने बेसिकली स्कोर से ज़्यादा आपने ये याद रखना है पोजीशन क्या है. तो केरला की फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश की, ठीक है. और अगेन जो लो परफॉर्मिंग जो स्टेट्स हैं वो अगेन केरला है, पहले इसके 50 स्कोर था, 52 है, ठीक है, तो दो स्कोर की इंप्रूवमेंट है, लेकिन है अभी भी सबसे नीचे, ठीक है. सबसे कम SDG स्कोर जो है वो किसका है, या फिर आप कह सकते हो कि जो सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इन SDG दैट इज़ बिहार, ठीक है. सेकेंड नंबर पे झारखंड है विद 56 स्कोर, देन वी हैव असम विद 57 स्कोर. तो ये जो है जो लास्ट की जो स्टेट्स हैं वो है बिहार, झारखंड और असम, ठीक है. और ये जो है ये मैंने डायरेक्टली जो पिक्चर है दिस इज़ फ्रॉम द रिपोर्ट ओनली, ओके, जो कि नीति आयोग की साइट पे आपको भी मिल जाएगी. अगर आपने ज़्यादा इसकी कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा और एक इलेबरेटिव स्टडी करनी है तो आप नीति आयोग की साइट पे जाके, ठीक है, आप डायरेक्टली उनके ऑफिशियल साइट पे जाके आप ये रिपोर्ट स्टडी कर सकते हैं. या फिर अगर आपने पूरे वर्ल्ड की जो SDG रिपोर्ट है वो स्टडी करनी है तो आप अगेन यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पे जाके, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे SDG की जो फुल रिपोर्ट है वो पढ़ सकते हैं. बट इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इलेबोरेटिव, ठीक है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो यू कैन रीड इट, ओके. ये हैं जी आपके स्टेट्स की परफॉर्मिंग, जो ये मैंने जो अभी बताया कि लेटेस्ट जो है केरला जो है इसकी 75 स्कोर है इसका, तमिलनाडु का 74 स्कोर है, आप देख सकते हैं. देन वी हैव हिमाचल प्रदेश विद 74, आंध्रा विद 72, उत्तराखंड विद 72, गोवा विद 72, कर्नाटका विद 72, सिक्किम विद 71. तो इस तरीके से खैर आ रहे तो आपने याद नहीं रखनी है. तो ये कुछ टॉप 3 बेसिकली आर इम्पॉर्टेंट, या टॉप 5 मैक्सिमम, ठीक है, ओके. नाउ नेक्स्ट इज, अब जो ये रिपोर्ट बनी थी 2021 की, इसका नाम क्या था इस पूरी रिपोर्ट का, तो दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021, द डिकेड ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ओके. नाउ सी व्हाट हैपेंड देन, अगर हम वर्ल्ड लेवल के अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं, चलिए इस पे मैं बाद में आती हूँ, पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स है ये, कैटेगरीज ऑफ, ओके, कि किस तरीके से हम जो स्कोर है वो हम इसमें कैटेगराइज करते हैं. तो स्कोर किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, तो मैंने आपको कहा कि 0 to 100 स्कोर है, ओके, पहले ही देख लेते हैं. 0 to 100 स्कोर मैंने आपको कहा कि है SDG का. तो जिन स्टेट्स का या जिन मेंबर कंट्रीज का आप कह सकते हैं स्कोर जो है वो 0 to 49 होगा, यानी वो भी एस्पिरेंट हैं, वो भी बढ़ रहे हैं, वो अभी एस्पिरेंट हैं,
परफॉर्मर जो हैं वो 50 to 64 जिनका रैंक होगा, अगर कोई 50 to 62, 64 है, जैसे कि बिहार था, ठीक है, बिहार सबसे कम जो लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है हमारी कंट्री की वो बिहार है, बिहार का कितना स्कोर आया, 52 आया ना, तो वो किस में फॉल करेगी, परफॉर्मर में फॉल करेगी, ओके। उसके बाद आते हैं फ्रंट रनर, फ्रंट रनर वो होते हैं जिनका 65 से 99 के बीच में स्कोर रहता है, जैसे जम्मू कश्मीर की अगर हम अपनी यूटी की अगर मैं बात करूँ तो हमारी यूटी जो है उसका स्कोर है 66, ओके, ये 66 स्कोर है हमारी यूटी का, ठीक है, नॉट बैड। तो हम जो हैं ये फ्रंट रनर में आते हैं, ओके। और जो केरला है जो टॉप जो स्टेट है जिसका 75 स्कोर है वो भी फ्रंट रनर में आता है, ठीक है, ओके। और अगर कोई पूरा 100 जो है वो अचीव कर लेगा तो वो क्या बनेगा, अचीवर बन जाएगा, ठीक है। तो यही कलर्स हैं बेसिकली, जो रेड है वो एस्पिरेंट को जो है डिपिक्ट करता है, जो येलो है इट डील्स विद द परफॉर्मर, ओके, तो ग्रीन जो है वो डिपिक्ट करता है फ्रंट रनर, और जो ब्लू है वो डिपिक्ट करता है अचीवर को। तो इसी तरीके से ये है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो यही जो है ये बेसिकली यूटीज़ की, यहाँ पर मैंने पिक्चर रखी है, तो यूटीज़ में जो है टॉप परफॉर्मिंग यूटी कौन सी है, दैट इज़ चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ इज द टॉप परफॉर्मिंग यूटी, ओके। देन वी हैव पुडुचेरी, देन लक्षद्वीप, देन दिल्ली, देन अंडमान निकोबार, देन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एंड इन द लास्ट वी हैव दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सबसे टॉप जो परफॉर्मिंग यूटी है इन SDG दैट इज चंडीगढ़, सेकेंड इज पुडुचेरी, ओके, थर्ड इज लक्षद्वीप, और लास्ट कौन सी है, दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये लास्ट है, इसका जो स्कोर है दैट इज 62, है ना, ये आप देख सकते हैं 62 है, यानी कि ये परफॉर्मर है, ठीक है, 62 है यानी परफॉर्मिंग स्टेज में है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं हमारी जो यूटी है इसमें इसका जो स्कोर है दैट इज 66, ओके। तो दिस यू नीड टू रिमेंबर, ऑलराइट। अभी ये जो पैराग्राफ है ये है कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बात करूँ SDGs की, तो फॉर 2020-21 सबसे टॉप परफॉर्मिंग कंट्री कौन सी रही, अब SDG के मामले में सबसे टॉप परफॉर्मिंग जो कंट्री रही दैट इज फिनलैंड, ओके। तो फिनलैंड जो है इसका ओवरऑल जो इंडेक्स है SDG का वो हाईएस्ट था विद द स्कोर ऑफ 85.90, सेकंड जो है दैट वाज स्वीडन, एंड द थर्ड वाज डेनमार्क, ओके। नाउ इंडिया रैंक्ड 120, अब इंडिया का अगर मैं रैंक की बात करूं तो इंडिया की जो रैंक थी दैट वाज 120 रैंक, ओके। और खैर ये जो यूटीज़ का जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो है कि जो चंडीगढ़ है वो टॉप पे रही, उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, और जो लोएस्ट परफॉर्मिंग थी वो दैट वाज दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव विद स्कोर ऑफ 62, एंड जम्मू एंड कश्मीर हैज स्कोर 66। पर आपने ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो अगर मैं पूरी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स है वो किसका रहा, फिनलैंड का रहा, सेकेंड नंबर पर रही स्वीडन, और थर्ड नंबर पर रही डेनमार्क, और इंडिया का जो रैंक था दैट इज 120 इन SDG। सो ये आपने याद रखना है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आर टुडेज लेक्चर ऑफ SDG। आपको जो PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे SSS ऐप पे, ठीक है, एज सुन एज आई फिनिश ऑफ विद द लेक्चर आपको ऐप पे जो है ये PDF मिल जाएगी, ओके। तो स्टे ट्यून्ड, मिलती हूँ बहुत जल्द आपको नए लेक्चर के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टार्टिंग।